हेलो एंड वेलकम इन वीके क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेसन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ ग्रेट पोएट सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा हुआ है। हेनरी वॉटन एक ग्रेटेस्ट पोएट थे, एक पॉलिटिशियन थे और उन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी। हेनरी वॉटन ने इस पोयम में ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से एक मनुष्य अपना खुशहाल जीवन जी सकता है और खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या क्या उसे करना चाहिए। इमेज में जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो इमेज है वो है सन हेनरी वॉटन की। अबाउट द पोएट, अब हम पोएट के विषय में जानेंगे। सर हेनरी वॉटन का जन्म 1568 को हुआ। इनके फादर्स का नाम थॉमस वॉटन था, मदर्स नेम इनका था इलोनोरा फिंच और ये क्वींस कॉलेज से ग्रेजुएटेड हुए। इन्होंने क्वींस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। महान पोएट जॉन मिल्टन, जिन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम का तीसरा लेसन है जो हम पढ़ेंगे। इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इनको नाइट की उपाधि 1604 में मिली। इनका ग्रेटेस्ट वर्क द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर था। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के विषय में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ और एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर्स ने इनको वर्ल्ड फेमस कर दिया और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पोएट में इनका स्थान हो गया। अबाउट द लेसन, अब इस लेसन के विषय में पढ़ेंगे। इस पोयम में क्वालिटीज़ बताई गई है हैप्पी मैन के। हैप्पी मैन इंडिपेंडेंट होता है, ट्रूथफुल होता है, सच्चा होता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, प्रेज टू गॉड वो ईश्वर की पूजा करता है, पासेस हिज टाइम अपने अच्छे और बुरे समय को व्यतीत करता है, बिताता है अच्छी किताबों को, गुड बुक्स को पढ़ के या गुड फ्रेंड्स के साथ रहकर। तो इस लेसन में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपका जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखमय हो जाएगा। हैप्पी मैन क्या नहीं करता, नॉट स्लेव, वो गुलाम नहीं होता है। एनोरस विल का मतलब होता है किसी दूसरे की इच्छा का, वो अपने विवेक से काम करता है, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार काम को नहीं करता। नॉट फियर ऑफ डेथ, उसको मौत का डर नहीं होता, वो प्रिपेयर होता है डेथ के लिए। सेल्फ कंट्रोल, वो अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है। सेटिस्फाइड With what he had, satisfied मतलब वो संतुष्ट होता है, with what मतलब जो कुछ he has मतलब उसके पास है, जो भी उसके पास है उसके जीवन में है वो उससे संतुष्ट होता है। Now see the stanza, अब जो पहला stanza है उसको हम पढ़ेंगे। How happy is he born or taught, यहाँ first line में ये बताने की कोशिश पोएट ने की है कि एक हैप्पी मैन जो होता है वो हैप्पी होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसके बॉर्न और टॉट, बॉर्न और टॉट का मतलब है कि उसके कार्य करने का तरीका, उसके जो विचार होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होकर वो अपना काम करता है, किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं होता, इसलिए वो खुश रहता है। दैट सर्व्ड नॉट एनोदर्स विल, एनोदर्स विल्स मतलब होता है, विल मतलब इच्छा, एनोदर मतलब दूसरे की इच्छा को सर्व नहीं करता, मतलब वो उसका गुलाम नहीं होता, दूसरे की इच्छा के अनुसार वो काम को, किसी भी काम को नहीं करता, वो किसी भी काम को अपने विवेक से, अपनी सोच से करता है। हुज आमर इज हिज ऑनेस्ट थाट, ऑनेस्ट थाट का मतलब है अच्छे विचार, सच्चे विचार, उसका आमर का मतलब कवच, अच्छे विचार उसके कवच होते हैं। ऑनेस्ट थॉट का मतलब है अच्छे विचार, उसका क्या होता है आमर मतलब कवच।
इनोदस विल मतलब दूसरे की इच्छा का, और सर्व्ड मतलब होता है गुलाम, वो दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं होता। बॉर्न और टॉट का मतलब है कि वो अपने कार्य को अपने अनुसार करता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज आउटमोस्ट स्किल, सिंपल ट्रुथ का मतलब है जो सच्चाई है उसका सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ी क्वालिटीज उसकी सच्चाई होती है, वो एक सच्चा व्यक्ति होता है और यही चीज़ उसको क्या करती है, स्किल। स्किल का मतलब है यही उसकी काबिलियत होती है, यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो व्यक्ति सच्चा होता है, किसी भी काम को करता है तो वो उसमें अपनी स्किल को दिखाता है, अपनी कुशलता को दिखाता है और उस काम को परफेक्ट करता है। ये हैप्पी मैन की कुछ क्वालिटीज़ हैं। नाउ सी द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में पोएट बताने की कोशिश करता है कि संसार की जो भी चीज़ें हैं, प्रेम है, क्रोध है, जलन है, जो भी है, उसका एक हैप्पी मैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसी की आलोचना, किसी के प्रेम से उसके ऊपर कोई प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ता। फर्स्ट लाइन है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, जैसे प्रेम होना, क्रोध होना, नफरत, ये सब क्या है, पैशंस है। नॉट मतलब नहीं होता है, मास्टर्स आ मतलब उसके ऊपर हावी, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में हावी नहीं होती। मतलब वो अपने जीवन को संतुलित जीता है, प्रेम, क्रोध और नफरत जैसी चीज़ें उसके जीवन में नहीं होती। हुज मतलब जिसका, जिसकी, सोल मतलब आत्मा, इस प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होती है, फॉर डेथ मतलब मरने के लिए, तो आत्मा तैयार होती है मरने के लिए, इसका मतलब है कि उसको मौत से डर नहीं लगता। अनटाइड, टाइड मतलब होता है बंधा हुआ, अनटाइड मतलब फ्री होना, बिल्कुल फ्री होता है। वर्ल्ड मतलब इस संसार, इस संसार की सारी चीज़ों से वो फ्री होता है। प्रिंसली लव, प्रिंस से प्रिंसली बना है, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार और लव मतलब प्रेम, तो किसी राजकुमार के जैसा उसको प्रेम मिले, लोग उससे प्रेम करें, लोग उसका सम्मान करें, ऐसा वो नहीं चाहता। वल्गर ब्रीड, वल्गर ब्रीड मतलब अगर सामान्य लोग, ब्रीड मतलब कुछ कहते हैं उसके विषय में, उसकी आलोचना करते हैं, तो इसका भी प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ा। तो पैशंस उसके जीवन को, मास्टर मतलब प्रभावित नहीं करती है, उस सोल जो है, उसका जो आत्मा है, या उस स्वयं डेथ के लिए प्रिपेयर्ड होता है, उसको मौत से डर नहीं लगता। अनटाइड होता है वर्ल्ड मतलब इस संसार से, संसार से बिल्कुल फ्री होता है, संसार के बंधनों में बंधा नहीं होता। प्रिंसली लव, अगर कोई से बहुत प्रेम करे तो भी वो अपने, उसका जीवन प्रभावित नहीं होता। रेगुलर ब्रीड, वल्गर ब्रीड, वल्गर ब्रीड का मतलब है अगर सामान्य व्यक्ति उसकी आलोचना करे, कोई उसकी आलोचना करे तो भी उसके जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। नाउ सी द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फीट। फ्री देख रहे हैं आप, फ्री लिखा हुआ है, ये फ्री है, इसमें डी लगा हुआ है। फ्री मतलब रिलीज होना, बिल्कुल फ्री होना। र्यूमर्स का मतलब होता है जो अफवाहें हैं। हिज लाइफ मतलब उसका जीवन, हैथ है यहाँ पे जो है वो हैव का ही पार्ट है, मतलब थर्ड सिंगुलर जो होता है हैव का वो हैथ होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक हैप्पी मैन अफवाहों से फ्री होता है उसका जीवन। हैप्पी मैन के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अफवाह का प्रभाव नहीं पड़ता। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कॉन्शियस का मतलब होता है अंतर मन, स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे अच्छा, सबसे मजबूत, और रिट्रीट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ से हम क्या करते हैं, दूर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पीछे हटने का मतलब विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि एक हैप्पी मैन का जीवन जो है अफवाहों से
दूर होता है। किसी प्रकार की कोई भी अफवाह अगर होती है तो उसका उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा मतलब है कॉन्शियस का, मतलब होता है वो अपने अंतर मन की बात को सुनता है। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मतलब उसको सुनता है, अपने मन में समझता है किसी बात को, अपने मन में सोचता है कि सही है कि गलत है और अपने अंतकरण की आवाज़ को सुनता है। होज स्टेट, उसकी जो अवस्था होती है, नाइदर मतलब ना तो, नहीं कर सकता, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवस्था है, उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। कौन नहीं ख़राब कर सकता? फ्लैटरस। फ्लैटरस का मतलब होता है चापलूस व्यक्ति। चापलूस व्यक्ति उसकी जो अवस्था है, उसकी जो स्थिति है, उसको ख़राब नहीं कर सकते, उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। नॉर मतलब नहीं, रून मतलब बर्बाद कर सकता है। ऑपरेशस मतलब ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे महान नहीं, बहुत ज़्यादा। रून करना मतलब बर्बाद कर देना, और ऑपरेशर का मतलब होता है जो अत्याचारी होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा। तो दुष्ट व्यक्ति उसके जीवन को किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि एक हैप्पी मैन जो होता है उसके जीवन पर अफवाहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी लाइन का मतलब होता है कॉन्शियस, मतलब वो अपने अंतःकरण की। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मतलब आवाज़ को सुनता है। तीसरी लाइन में देखिए स्टेट मतलब जो उसका जीवन है। फ्लैटरस फीट का मतलब होता है जो चापलूस हैं उसके जीवन को, नाइदर मतलब प्रभावित नहीं कर सकते कि बहुत बड़ाई उसकी करें, खूब प्रशंसा करें और फिर वो उनकी बातों में आ जाए और फिर उसका जीवन प्रभावित हो जाए, ऐसा वो कुछ भी नहीं करता। नॉर जुइन मेक ऑपस ऑपरेशस ग्रेट। जुइन मतलब बर्बाद नहीं कर सकता है। ऑपरेशस का मतलब होता है अत्याचारी व्यक्ति। ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये जो थर्ड स्टैंजा है उसका मतलब ये है कि अफवाहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसके जीवन में कहीं कोई समस्या आती है तो अपने मन की आवाज़ को सुनता है। चापलूस व्यक्ति चाहे उसकी कितनी प्रशंसा करे वो उससे प्रभावित नहीं होता, और जो विरोधी हैं वो उसका उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। हु envies none, whom chance doth raise, nor wise who never understood how depressed owned are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who मतलब एक happy man, envies का मतलब होता है जलन करना, नफरत करना। none मतलब किसी से नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से वो नफरत नहीं करता। हु मतलब जिसको, चांस मतलब अवसर मिला हो और वो रेज हो गया हो और उसने ऊंचाई को प्राप्त कर लिया हो। लेकिन उसने ऊंचाई को जो प्राप्त किया या सफलता को जो प्राप्त किया वो कठोर परिश्रम से या अपने कार्य से प्राप्त नहीं किया है, ऐसा जानने के बावजूद वो उस व्यक्ति से नफरत नहीं करता। नॉर वाइस, नॉर वाइस का मतलब होता है उसके अंदर कोई बुरे गुण नहीं होते। हु नेवर अंडरस्टूड, हु नेवर अंडरस्टूड का मतलब, हु मतलब जो, नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टूड मतलब समझ पाना। वो कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं समझना चाहता जिसमें अच्छाई ना हो। हाउ डीपेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेस, प्रेस मतलब प्रशंसा कर, बड़ाई कर, गिवन मतलब दिए जाते हैं, डीपेस्ट मतलब बहुत गहरे घाव, ओन्स मतलब घाव। डीपेस्ट ओन का मतलब है कि झूठी प्रशंसा करके, कुछ कपटी व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ संसार में लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पर तो हमारी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे हमें हमारी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब सरकार, ऐसी सरकार जिसके रूल्स अच्छे ना हो, नॉर मतलब ना हो, ऐसे सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को वो नहीं मानता। बट लेकिन किस प्रकार के नियम को मानता है वो? रूल्स ऑफ गुड,
रूल्स मतलब ऐसे नियमों को मानता है जो गुड हों, जो अच्छे हों, जो जिन नियमों से समाज के लोगों की भलाई हो, ऐसे नियमों को वो मानता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन का मतलब है कि किसी से नफरत नहीं करता। अगर कोई सफलता को प्राप्त करता है, चाहे वो परिश्रम से ना करे, अपने भाग्य से प्राप्त कर ले, तो वो उससे जलन नहीं करता। उसके बाद उसको ये मालूम होता है, प्रेस मतलब कि लोग प्रशंसा कर करके क्या करते हैं, डीपेस्ट ओन्स नुकसान पहुंचाते हैं, इस चीज़ को जानता है, इसीलिए किसी की प्रशंसा से बहुत अधिक खुश नहीं होता। वो ऐसी सरकार के नियम को नहीं मानता जो लोगों के लिए सही ना हो, वो ऐसे नियमों को मानता है जो मनुष्य के लिए लाभकारी हो, हितकारी हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके माध्यम से आपने देखा कि एक हैप्पी मैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, एक मैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए जिससे कि वो हैप्पी मैन बन जाए। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।